सभापति महोदय, इस बजट में किसानों को लेके कुछ स्पष्ट नहीं था। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता, MSP को लीगलाइज करने की कोई बात नहीं है इस बजट में। ये लोग 100 रुपए फसल की कीमत बढ़ा के कहते हैं कि हमने किसानों का भला किया, लेकिन ये नहीं बताते कि खाद की बोरी की कीमत 200 रुपए बढ़ा देते हैं और वहीं बोरी का वजन भी घटा देते हैं। महोदय, बिहार के विकास विशेष पैकेज को लेकर काफ़ी बातचीत हुई। सब लोगों ने कहा कि बिहार को पता नहीं क्या मिल गया, अलग से विशेष पैकेज दे दिया। ये बिहार को विशेष पैकेज की रीपैकेजिंग की रीपैकेजिंग और फिर रीपैकेजिंग की नई रीपैकेजिंग की है इन्होंने। ये वही बात हुई कि 4 आने को आप 1 रुपये बता देने से 4 आना 1 रुपये नहीं होता, वो 4 आना ही रहता है। सिलेबस और किताब बिहार के पैकेज को लेकर यही कहना चाहूँगा कि सिलेबस और किताब वही है, सिर्फ उसका जिल्द बदला है। वो हर साल ये बिहार के विकास को लेकर वो सिर्फ जिल्द बदलते हैं, रैपर चेंज करते हैं और कुछ नहीं बदलता। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार एक काफ़ी ड्रामेटिक अंदाज में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी, 1,25,000 करोड़, और 40,000 करोड़ रुपये उसमें अन्य निवेश, जैसे चेरी ऑन केक होता है वैसे 1,25,000 करोड़ के अलावा 40,000 करोड़ उन्होंने अन्य विशेष निवेश के लिए निर्धारित किए थे, आवंटित किए थे। इनफैक्ट अब इस बजट में इन्होंने हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ बिहार के लिए आवंटित किए हैं। 2015 में 54,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हम पूछना चाहेंगे कि जो उस वक्त 54,713 करोड़ रुपए आपने बिहार के हाईवेज के लिए आवंटित और निर्धारित किए थे, उसका क्या हुआ? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।